30/12/2021 को हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने, मतलब नए साल की संध्या में, रैशनलाइजेशन के नाम पर 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ठियोग से स्थानांतरण किए गए, ट्रांसफर किए गए। मैं समझता हूं यह रैशनलाइजेशन नहीं हुई है, दिस इज द मोस्ट इरैशनल डिसीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कौन कौन है? एक तो आपके सर्जरी के हैं डॉक्टर पवन शर्मा, एक आपकी एमडी है एनेस्थीजिया की, और एक एमडी है आपके गायनोलॉजी की। पिछले दिनों में छोटी मोटी सर्जरी ठियोग के अंदर ही की जा रही थी, जिस समय से एनेस्थीजिया की स्पेशलिस्ट वहां पर मिली, उनकी पोस्टिंग हुई, और अब रैशनलाइजेशन के नाम पर ये तुरंत ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है पूरा ठियोग हॉस्पिटल कोलैप्स, और जो बहुत सा गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है शिमला में ऑपरेशन करने के लिए, कोई गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन है, कोई छोटी सर्जरी है, वो सारे पिछले दिनों में 5-6 महीने से ये सारे ठियोग में हो रहे थे। मुझे अनगिनत फोन आए हैं, और मैं यही कह सकता हूं सरकार को, आप इस फैसले को अबेंस में रखिए। ये इसलिए अबेंस में रखने की जरूरत है कि जिला हॉस्पिटल जो जिला शिमला में होना चाहिए था, उसका किसी हॉस्पिटल को दर्जा मिला नहीं उस रूप का। आपका जो दीनदयाल हॉस्पिटल है यहां पर उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जिसको रिपन के नाम से जाना जाता है, वो शिमला जिला का हॉस्पिटल नहीं है। इट केटर्स टू द नीड्स ऑफ द एंटायर स्टेट। वैसे भी शिमला शहर वो पूरे प्रदेश के वासियों का है, आप शिमला जिला का नहीं कह सकते हैं शिमला शहर, ये शिमला